सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल चैनल महालक्ष्मी की ओर से बहुत पाबंदी नाशार श्रोतृदी कहते हैं आज स्थित होने का दिन, आवागमन बंद कराने का दिन। आज का दिन लगभग देश के अंदर 23,000 से 24,000 जैन संत आज दिगबंधन करते हैं, विशेषकर 1900 दिगंबर संत इस दिन के अंदर अपने धार्मिक रियाज करते हैं, बाकी सामाजिक तो कल भी होंगी, परसों भी होंगी, 4 अगस्त तक होंगी। आज आपसे बात कर रहे हैं इसी दिन अमते अंदर एकता की बात कि हम एक कैसे हों, और इसके बारे में चैनल महालक्ष्मी टीम को विशेष रूप से आमंत्रण मिला, साथ में तीसरे कमेटी के अध्यक्ष बाबू जम्मू प्रसाद जैन जी के साथ गए हम नवग्रह तीर्थ वरूर के अंदर। 13-14 को एक विशेष सम्मेलन हुआ भटारकों का, जहां उन्होंने एक होने की बात करी कि अब अलग अलग नहीं होंगे, एक होकर रहेंगे, और वह जानकारी मिली जो उसने हैरान कर दिया। 1487 तीर्थ है कर्नाटक के, मंदिर मिला के बड़े बड़े विशाल तीर्थ जो सरकार के पास पंजीकृत है, इतने तीर्थ किसी एक राज्य के छोड़ दीजिए, पूरे बाकी देश में भी इतने सरकार के पास रजिस्टर्ड हुए जो वहां पे लोगों ने ऐसे किया है, कमेटियों ने मिलकर, लोगों ने, संस्थानों ने और भट्टारकों के द्वारा। 724 मंदिरों के अंदर आज भी वहां पर दीपक जो सुबह जलता है शाम तक लगातार जलता रहता है, बाकी एएसआई के और वैसे पुरातत्व के विभाग के अंदर है जहां ऐसा नहीं हो पाता है। सबसे ज्यादा सुरक्षित तीर्थ कहते हैं तो कर्नाटक में है, और वहीं पर अब एकता का बिगुल बजा है, पर उसके अंदर हमारे चेहरे देखकर ही उनके मुंह उतर जाते हैं, विश्वास नहीं होगा। उत्तर को कहते हैं यह बंटवारा करने की जड़ है, आज जगह जगह संतवाद पंथवाद जो हो रहा है उसका सबका दोष कहते हैं, दक्षिण में भी ये बीज पनप दिया है तो वह उत्तर भारत के श्रावक तो है, कहते हैं साधुओं के कारण है, विश्वास होगा हम पर, सुनिए जरा एक बार पहले ही। उत्तर भारत के जो साधु आ रहे हैं वो लोग थोड़ा सा समस्या कर रहे हैं, वो हमारे यहाँ क्या होता है भगवान गोमटेश्वर की परंपरा संस्कृति उसको वो भगवान कई लोग शराब पे उसको नहीं छुड़ाते, कई लोग लड़कियां भाग के जा रही उसको कन्वर्ट नहीं करते, और समाज में दो दो फुट करके अपनी परंपरा उनकी परंपरा वो लड़ाई लगा रही, वो सबसे बड़ा दिक्कत है। पूरा कर्नाटक अखंड है और कोई फूट पड़ रही तो साधु के कारण पड़ रही, ये कड़वाहट है, सच्ची बात है। सब जगह पर ऐसा है, हम लोग इसलिए वो कानून लगाया आगे हम लोग कड़क निर्णय लेना पड़ेगा, अगर कोई साधु अगर कोई गलत यहाँ की परंपरा यहाँ की संस्कृति यहाँ की जो भी रीति रिवाज उसके विरोध में कोई करेगा तो कानूनी कार्रवाई करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। ये निर्णय ले लिया जी हमारे तमिलनाडु में, तेरा क्या होता है, बीस क्या होता है, श्वेता मेल क्या होता है नहीं मालूम होता, बहुत अच्छी बात, बिल्कुल समाज काम नहीं हो पाता। देखिए एक आर्जो साहब महाराज एक मात्र आया तो सारा तमिलनाडु में पता चल जाए कि 20 है या 13 है। अच्छा एक सर एक आर्जो साहब के ग्रुप से उन्होंने पुनः उनको वापस लाने में हमको गोमटेश्वर बाहुबली है पूरा देश को माने, और बाजू में एक और एक क्षेत्र खड़ा कर रहे एक साधु ने उसको अच्छा। हम लोग बंद कर दिया, हम लोग जिन सब क्षेत्र में हमारा हमारे जो दक्षिण भारत में जो भटार लोग रहते हैं ना किसी भी क्षेत्र में दूसरा कमेटी या कुछ दूसरा है करना कब्जा करने में हम लोग परमिशन देता नहीं, ऐसा आज तक उसको सुरक्षित करके रखा है। आज पांच श्रवण बल में कोई ट्रस्टी है क्या नहीं, एक बार हमको अनुभव है जब बड़े स्वामी जी थे तब एक स्वतंत्र साधना कर जमीन लिया फिर वहां पर मंदिर बनाने के चालू किया, और हमारा स्वामी जी ने सारे बच्चों को ले गया सारे ईंट को उठाकर फेंक दिया, हमने कहा आप प्यार से रहिए आपको जो चाहिए व्यवस्था हम लोग करेंगे, आप कितने दिन भी रहिए हम लोग करेंगे, किंतु दूसरा यहाँ पर नहीं कर सकते। ये बहुत अच्छी बात अगर ऐसा है आज क्या होगा दिक्कत यह की आज आपको बनाने देंगे कल श्वेतामल गुरुंगा पर बाकी सब दोस्तों वो संस्था को ही बर्बाद कर देंगे, सिरपुर में लड़ाई हो रही ना यही कहानी हो रही है बिल्कुल यही हो रही है ना। आचार्य श्री गुणधर नंदी ने तो स्पष्ट कह दिया 2018 में जो कोरोना महामारी देश में आई थी ना ये छोटी थी, जैन समाज के लिए इसके भयंकर व्यार ये दक्षिण के अंदर जो आई वह 10-15 साल से आ रही है बड़ा कोरोना। वह कहते हैं कि साधु संत जो उत्तर के हैं उनको श्रावक जो है वह है सबसे बड़ा कोरोना, कम से कम विशेषकर दक्षिण के लिए। सुनेंगे जरा सही बात है, अगर हम पंथवाद करते हैं संतवाद करते हैं भेदभाव करते हैं तो वास्तव में हम चाहे साधु हों श्रावक हों या विद्वान हो हम उसके लायक नहीं है, एकता की बात करके संगठन मजबूत होता है बटने से नहीं। सुनिए तो संरक्षण सिस्टम में है और उत्तर बंद के कोरोना वायरस बिगाड़ रहे हैं, भंडारा की कमेटी के अध्यक्ष
आप कैसे एक रखिए समाज को और कहते हैं उस वायरस से कैसे दूर रखें, क्या आपने योजना बनाई है? अब तक कहीं भी इस तरह की विषम परिस्थितियां आई, कई संदर्भ में आए तो हम लोगों ने चर्चा की है और समाज ऐसे कार्यक्रमों से दूर रहने के लिए हम जाते हैं। आज भी यहाँ पर कर्नाटक में इतना विश्वास है कि भगवान का वार्षिक मेला भी हो वहाँ पूजन वगैरह होता, कोई भी कार्यक्रम हो, कोई भी महाराज जी भी आते हैं, भंडारक पहुंचे बिना वहाँ पर भगवान का कलश भी करने के लिए लोग इंतजार करते हैं। मतलब इतनी पहचान दी हुई है भंडारक, बिल्कुल बिल्कुल उतने में एकता और अंदर बढ़ना चाहिए उसके बारे में। हाँ, एकता अभी से सहयोग भी ऐसे है कि भंडारक वहाँ पहुंचे बिना कोई कार्यक्रम की निर्णय नहीं ले पाते समाज, और चाहे छोटे समाज हो या कोई बृहद समावेश हो, इसीलिए भंडारक के यहाँ पर समाज भी साथ दे रहे हैं और हम लोग जाकर के समाज के बीच में संगठन कर रहे हैं कि हमारी जो परंपरा हमारी पूजा पद्धति हो या आसमान की जो भी हो, यहाँ पर दक्षिण भारत में यहाँ अब तक बहुत लोगों को आज से 15 या 20 साल से पहले सिर्फ आपको जैन इतना ही मालूम था, बिल्कुल पंत यदि पूछते आप 13 या 20 में इनको ये 13-20 क्या गिनती है मालूम ही नहीं था, मालूम ही नहीं थे कि जैन मान उसमें भी और कहां से शुरुआत हो गई 13-20 में। इससे पहले जो कोरोना के लिए ना, इससे पहले और एक बड़ा जो वायरस कोरोना अटैक हो चुका था वो भी करीब हम 25 साल से मानते हैं, उससे पहले कुछ नहीं था, उससे पहले था। ये किसकी देन है 13-20? ये सभी अपने मूल निवासी कर्नाटक के लोग नहीं है, ये कुछ साधु संत ही आए और इसके प्रवर्तक या प्रभावक लोग आए थे। इसमें कांजी पंथ का भी बहुत ज्यादा यहाँ पर प्रभाव है और कांजी और 13 में वो कांजी लोग थे ना, वो तमिल थे। हाँ, कांजी और 13 में मालूम ही नहीं था क्या फर्क है, क्योंकि वहाँ पर भी 20 पद से अलग होके देवी देवता वगैरह या पंचामृत अभिषेक इन सब उसमें भी नहीं करते हैं, 13 में भी नहीं करते हैं। और शुरुआत फाउंडेशन न्यू बंद लगा दी वो कांजी पंथ और उसके बाद जब फल देने लगे उसका फल तोड़ने गए 13 पंथ के लोग। अच्छा, 13 पंथ इस कारण से यहाँ पर 13 और कांजी का प्रभाव एक होकर के काम करता है। वहां का श्रावक बहुत मजबूत है, भंडारक जुड़ा हुआ है। अरे अभिषेक तब भी शुरू होता है जब वह भंडारक आ जाते हैं, कोई कार्यक्रम हो कुछ भी हो ऐसा है। और अब तो आशंका यह कहने लगे हैं कि अगर ये भेदभाव करने वाले अब साधु आए तो बाहर गांव के बोर्ड लग जाएगा, यहां साधु का प्रवेश बंद है। विश्वास नहीं होगा आपको, पर यह हकीकत बताई जा रही है कि वहां पर ऐसी तक है कि अब नहीं चाहते कि श्रवण बेलगुला में कहते को साधु आते हैं उसको हम पूरा करने में रिकवरी करने में 3-4 साल लग जाते हैं। ऐसे भेदभाव के बीच डाल जाते हैं, वह चले जाते हैं पर यहां पर समाज में झगड़े शुरू हो जाते हैं। सुनेंगे जरा क्या कहते हैं, नो एंट्री फॉर साधु, कहीं ऐसा ना हो जाए। सुनिए जरा, जब हम लोग आपको यूपी एमपी राजस्थान आते हैं आपको जरा हम नहीं बिगाड़ते, आप लोग आकर के यहाँ घर हमारा दक्षिण भारत क्या हमारा घर को क्यों बिगाड़ते हैं? आज उसके कारण से समाज टुकड़ा टुकड़ा करके बैठे हैं। मतलब दक्षिण में आप कहते हैं जो हमारा जो बिगाड़ होता है वो साधु कारण ही हो रहा है। हाँ, निश्चित है, वो तो 100% अभी भी बता रहा हूँ। और उसके बाद साधु को ही भुगताना पड़ेगा उस दिन। एक दिन ऐसा आएगा साधु को रे वो तो गांव में आते हैं, और ऐसा होगा कि साधु का आना मना है ऐसा बोर्ड शुरू हो जाएगा, ऐसा भी हो सकता है। गांव में लड़ाई होने लग गया, अच्छा क्या जैसे गांव में लड़ाई होने लग गया, गांव में डेली लड़ाई होने लग गया, यार वो भी साधु नहीं चाहिए, ये भी साधु नहीं चाहिए, लगा दो बोर्ड साधु का नो कमिंग। महाराज आज जितने साधु सावक लोग आकर के चौका लगाते थे अभी चौका लगाने नहीं आ रहा, उनका ही बाधक हो रहा है, साधु के लड़ाई उनका बाधक। पिछले बार साधु का नाम नहीं लूंगा, कई साधु के कारण जहाँ मंदिर में हजारों साल से भगवान की शांतिनाथ की शांति की आगे देते थे जी, वहाँ लड़ाई के कारण पुलिस खड़ा करना पड़ा। अभी ये स्थिति आ रही है जी, अभी हमारे तमिलनाडु में यदि प्रवेश करेंगे तो ओसूर से प्रवेश करना पड़ता है, ओसूर में आकर तो कोई भी साधु हम बोल देगा क्या कहना है, हमारा परंपरा को बिगाड़ना नहीं, यदि बिगाड़ेंगे हम बोलना पड़ेगा फिर आपको जबरदस्त से वापस। नहीं, परंपराएं तो कहीं नहीं बिगड़नी चाहिए। मेरा क्या कहना है जिसको जो पूजा पद्धति हो कर साधु को कोई काम नहीं ना, साधु को ना जलाभिषेक करना है ना दुग्धाभिषेक करना है, ठीक है, साधु को इंसान को सुधारना है ना। क्षमा कीजिएगा, कान पकड़ लेते हैं पर बात सही करते हैं। अभी मुनिषी आदित्य सागर जी ने बताया है कि बाकायदा परसेंटेज सेट होता है कुछ साधुओं का, अपने अपने ट्रस्ट अपनी अपनी कमेटियां ले आते हैं और कहते हैं फिर समाज का ट्रस्ट कैसे जीत पाएंगे, जब अपना ट्रस्ट लेके आओगे तो समाज का विश्वास ट्रस्ट कैसे बनेगा।
कहते 20% तक के हिस्से होते हैं, यह हम नहीं कह रहे, मुनिश्री कह रहे हैं, तो किसी प्रमाण से कह रहे होंगे। कहते जो ऐसे होते हैं, अरे कल गुरु पूर्णिमा भी है, ऐसे साधु को कैसे आप गुरु बना लोगे? गुरु ऐसे नहीं होते, वह तो आत्म के अंदर होते हैं, उन्हें कोई कमेटी लफड़े चिट्ठे पिट्ठे कुछ नहीं चाहिए। क्या कहा मुनिश्री आदित्य सागर जी ने, संकेत छोटा है, अर्थ गहरा है और आवाज दूर तक जाती है, समझ की बात जब आती है। सुनिए, जो मोक्ष के अभिलाषी होंगे वो धन संग्रह की बात नहीं करेंगे, द्रव्य संग्रह की बात नहीं करेंगे, वो मोक्ष भेजने की बात करेंगे। बेटा जो धन की चाह रखते हैं, धन की चाह रखते हैं, वो गुरु होते ही नहीं है। नहीं तो अभी बोलू की रहने दो, बोल देते अपना क्या जाता है। पिछले वर्ष एक जगह चातुर्मास हुआ 20% पे, समझे कि नहीं? समझ गए राजू भैया? 20% का चातुर्मास, मतलब जो बाली बोलियां होंगी उसका 20% हमारे ट्रस्ट में जाएगा। अरे जब ट्रस्ट बनानी ही थी तो साधु बने क्यों थे? अब जो साधु स्वयं की ट्रस्ट बनाते हैं उन पर कभी ट्रस्ट होता ही नहीं है कोई। इसलिए देखो, अपना कोई प्रोजेक्ट नहीं है संजय भाई, हमारा कोई भी प्रोजेक्ट नहीं है, एक ही प्रोजेक्ट है, जिनवाणी लिखते लिखते जाना है, ये हमारा प्रोजेक्ट है। माना कि आप बोलो कि महाराज जी हमको ये धर्मशाला तोड़ के यहाँ मंदिर बनाना है, हाँ आशीर्वाद है, तुम बनाओ, तुमको बनाना है आशीर्वाद है, लेकिन हम तुम्हारे लिए चंदा करने नहीं जाएंगे। हम चंदा करने नहीं जा सकते भैया, हम मुनिराज हैं, वसूली भाई थोड़ा ना है कि संजय की फैक्ट्री उसको पकड़ो, चिंटू की फैक्ट्री उसको पकड़ो, पारस की फैक्ट्री उसको पकड़ो। अपरमित सागर जी, मोक्ष अभिलाषी, यशाभिलाषी, धनाभिलाषी अपन है ही नहीं। जो एक बार सिक्कों के चक्कर में पड़ गया उसकी कीमत घट जाती है। सिक्कों के चक्कर में नहीं पड़ना, नहीं तो अपन ने बहुत सारी बहुत अनुभव लिए बैठे भैया। बताऊँ क्या, पारस महाराज जी के संघ के जो भी परिजन आएंगे उनके सम्मान का ध्यान रखना जी महाराज जी, चतुर्मास के आखिरी में उनका सम्मान करना जी महाराज जी। क्या करना है, एक एक सोने की माला। बेचारी कमेटी क्या बोलेगी जी, क्यों राजू भैया नहीं मना कर दोगे सोने की माला के लिए? मना कर, अच्छा उनने 10 करोड़ इकट्ठे करवा दिए तो यार क्या जा रहा है? बोले 10 करोड़ इकट्ठे की, एक ही 2 लाख तो मांग रहे, 5 लाख मांग रहे, समझ रहे हैं आप? इन चीज़ों से क्या होगा? अच्छा सुनो, आप बोलोगे अब यार ठीक है महाराज जी, मना नहीं कर सकते, करो, कर भी दोगे, लेकिन बाद में यार महाराज जी ने अपनी व्यवस्था करवा ली। सब समझते हैं, सब समझते हैं, ज्ञानी जन ऐसा काम नहीं करते हैं। ज्ञानी लोग अपने यशा कीर्ति का ध्यान रखते हैं, इसलिए मोक्षाभिलाषी होते हैं, यश अभिलाषी नहीं होते। इसी कड़ी में कहते हैं दुख संकट हर के ऊपर आते हैं, आप पर भी आता है, तो हम लोग अपने सगे संबंधी जाते, कहते नहीं सगे संबंधी के पास दुख संकट में मत जाना। अरे वो तो ये तक कहते हैं ऐसे साधुओं के पास भी मत जाना, कुछ मिलेगा नहीं, नुकसान ही होगा। सुनते हैं जरा आचार्य श्री विशुद्ध सागर से जाते जाते। जब भी संकट के दिन आए, जब भी कष्ट के दिन आए, बेटा भाई बंधु के पास मत जाना, सगों के पास तो कभी नहीं जाना, भी गेट बंद कर लेंगे, क्योंकि उनको लगता कि कुछ देना पड़ेगा, तो माँ तो उसके पास जाना, को दे सके पर ले कुछ ना। एकमात्र मुझे दुनिया में सच्चा भाव लिंगी मुनि अरिहंत देव पंच परमेष्टि दिखाई देते हैं, और जहां पर मुनि बन के मांगा जाता उस द्वार पर भी मत जाना। बेचारा स्वयं परेशान है, बेकर 1 लाख और दे दू नहीं, नहीं। निर्गंथों के मुख से मांगना शब्द प्रारंभ हो जाए ना, वो जिन शासन की अवहेलना है। ऊंचे शिखर बन सकते हैं पर शिखर की श्रद्धाएं टूट सकती हैं। यदि सच्चे भावलिंगी मुनि बनके जीना हो महात्मा निर्गंध सागर जी, बेटा आज तुम कार्यसर कर लो जीवन में।